अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू SSLC का जो मर्सिया जो पार्ट है उसमें के सभी पॉसिबल MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, ऐसी नज़म जिसमें किसी मरहूम शख्स की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं। तो सही ऑप्शन है देखिए इसका ए, मर्सिया। इसी तरह दूसरा देखिए, यहाँ पर मर्सिए की कुल कितनी किस्में हैं। तो सही ऑप्शन है उसका सी, दो किस्में हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे हम। एक ऐसी नज़म जिसमें किसी आम मरहूम शख्स के औसाफ बयान किए जाए, कैरेक्टर्स बयान किए जाए, तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, शख्सी मर्सिया, ए ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट 45 देखिए, 145, मैदान जंग में उस वक्त हंगामा बरपा हो गया जब डैश, तो आगे हम आपको फिलअप करना है। तो सही ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसका बी है, हज़रत इमाम हसन जब जंग के लिए निकले। ठीक है, नेक्स्ट 146 का देखिए, यहाँ पर मर्सिया आमतौर पर किसी हयत में लिखे जाते हैं। 146, तो सही ऑप्शन है देखिए डी, यानी किस हयत में लिखा, तो ये डी है, मुसद्दस। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह 47 देखिए, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अहले बैत से सब्र की तलखीन इसलिए की क्योंकि, ऑप्शन इसका सही है देखिए डी, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 148 देखिए, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से रुख्सत होने के लिए तैयार थे ताकि, वजह इसकी देखिए ऑप्शन सी है, उम्मत की बख्शिश का ज़रिया बने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 149, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को माँ का प्यार उस वक्त याद आया जब, तो ऑप्शन इसका देखिए 49 का बी है, बहन ज़ैनब को बेचैन देखा। ठीक है, नेक्स्ट 150, सफ़ में गुल इस वक्त मच गया जब, यानी कब मच गया, ऑप्शन बी है, शहर दीन जंग के लिए निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट 151, मीर अनीस का असली नाम क्या है, तो असली नाम देखिए इनका बी, मीर बब्बर अली। ठीक है, 152, मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं, तो सही ऑप्शन है देखिए उसका सी, 6। ओके, 153 देखिए यहाँ पर डी, मीर बब्बर अली अनीस का मुकाम पैदाइश कौन सा है, तो सही ऑप्शन है उसका डी, फैज़ाबाद। ओके, नेक्स्ट 154 देखिए, मीर अनीस की सन पैदाइश की निशानदही कीजिए, यानी कब पैदा हुए उसकी निशानदही की ना करना है, तो सही ऑप्शन है इसका ए, 1802 ईस्वी में। चलिए इसी तरह आगे 155 देखिए, यहाँ पर मीर अनीस की सन वफात की निशानदाही कीजिए, यानी कब उनकी वफात हो गई, तो सही ऑप्शन उसका बी, 1874 यानी 1874। नेक्स्ट देखिए 156, किस शायर को अल्फाज का बादशाह कहा जाता है, तो सही ऑप्शन है देखिए सी, मीर अनीस को। ठीक है, नेक्स्ट 157 देखिए, यहाँ पर दर्ज ज़ैल से गैर मुतालिक लफ्ज़ अलग कीजिए, यहाँ पर जो गैर मुतालिक लफ्ज़ है उसको अलग करना है 150, तो सही ऑप्शन है इसका डी देखिए, सफ़ लाइन खतार अतार, तो अतार अलग है। 158 देखेंगे हम, जो इमाम हज़रत अलैहिस्सलाम के ख़दमों से लिपट गए थे, तो सही ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए है, बेगम शहर बानू। ठीक है, नेक्स्ट 159 देखेंगे, यहाँ पर लफ्ज़ नोहागर के माने क्या होते हैं, तो सही ऑप्शन है देखिए इसका बी, मातम करने वाला। ठीक है, इसी तरह आगे देखेंगे हम, नूर ऐन से क्या मुराद है, यानी नूर ऐन किसे कहते हैं, उससे क्या मुराद है, तो सही ऑप्शन देखिए 160 का वो है सी, आँखों का नूर। लास्ट में देखेंगे गुल बरपा होना से मुराद क्या है, तो सही ऑप्शन इसका डी है देखिए, हंगामा मच जाना। तो स्टूडेंट्स, ये थे मर्सिया के सारे पॉसिबल MCQ क्वेश्चन, इसे अच्छे से आप प्रिपेयर किए आने वाले एग्जाम के लिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।